जो देश में अहम मुद्दे हैं चर्चा उस पर करेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, कोई किया कुछ है नहीं। सी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान महंगाई पर बात कब करेंगे, बेरोजगारी पर बात कब करेंगे। सीमा हैदर कोई मुद्दा नहीं है। अगर सीमा हैदर सचिन की जगह किसी सलमान या सुलेमान के घर रह रही होती, अब तक इस देश की मीडिया उनको पाकिस्तान का ISI का एजेंट बता दिया होता। हमारी देश की पहलवान धरने पर बैठी थी, वो भी तो महिला थी, आपने उन पर भरोसा नहीं किया, अपने सांसद पर भरोसा किया, लेकिन चार्जशीट में सामने आ गया, सब कुछ सामने आ गया। आप अपनी देश की महिला पर भरोसा कब करेंगे? आप एक दूसरे देश की महिला पर भरोसा करते हैं और उसका दिन भर इंटरव्यू चलाते हैं, 24 घंटे उस पर बात करते हैं, इसलिए क्योंकि असल मुद्दों को भटकाने का कार्य कर रहे हैं लोग। मुद्दों को भटका रहे, सीमा हैदर का मुद्दा असल मुद्दों को भटका रहे। निश्चित रूप से सीमा हैदर कोई मुद्दा नहीं है। पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि उनके तार कहां से जुड़े हैं। शायद बड़े अफसोस से कहना एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर सीमा हैदर सचिन की जगह किसी सलमान या सुलेमान के घर रह रही होती या उनके साथ होती, तो शायद अब तक इस देश की मीडिया उनको पाकिस्तान का ISI का एजेंट बता दिया होता। अब तक उनके तार पता नहीं कहां कहां से जोड़ दिए होते, कई अतीक अहमद से जोड़ दिए होते, तमाम ऐसे नाम मैं गिना सकता हूं जिनसे जोड़ दिए होते, लेकिन वो सचिन है इसलिए आपने नहीं जोड़ा, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। इसमें भी हिंदू मुसलमान निश्चित रूप से ये कर रहे हैं। अगर सचिन के हैं, इसमें भी हिंदू मुसलमान। अगर सचिन की जगह सलमान पे होता तो अब तक निश्चित रूप दावा कर सकता हूँ मुख्यमंत्री जी और तमाम मीडिया के लोग अब तक उसको ISI का एजेंट बता देते कि ये पता नहीं कहां से आ गए, ISI का एजेंट है, अतीक अहमद की दूर की रिश्तेदार निकली है, पता नहीं ऐसी तमाम बातें हो जाती हैं। अरे देश की मीडिया है, इनसे कहिए असल मुद्दों पर बात करें। महंगाई पर बात कब करेंगे, बेरोजगारी पर बात कब करेंगे। सीमा हैदर कोई मुद्दा नहीं है। सीमा हैदर कोई मुद्दा नहीं है। ये सरकार सिर्फ असल मुद्दों को भटकाने का कार्य कर रही है। आपने ज्योति मौर्य को क्या नहीं कहा? आप सीमा को कुछ नहीं कह पा रहे हो, सीमा का दिन भर इंटरव्यू लेते हो, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, ये क्या है? ये नौटंकी रचना बंद करिए और इनकी जाँच करिए, कहीं पाकिस्तान की एजेंट ना हो, जासूसी करने ना आई हो। तो मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जांच करें। बिना जब तक जांच सच सामने नहीं आ जाता तब तक कोई इंटरव्यू नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। जो देश में अहम मुद्दे हैं चर्चा उस पर करेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, कोई किया कुछ है नहीं। सी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान की बिरयानी खाने चले जाएंगे बिना बुलाए। अगर इसकी जगह किसी मुस्लिम भाई के यहाँ, किसी रहमान रहीम करीम के यहाँ आए होते, सचिन की जगह कोई और भाई हमारे होते, तो आज जो है उनका जो घर है वो कम से कम गजों नीचे मिलता, जैसे कि अतीक अहमद का मिला। और आपको बता दें इनका जो परिवार है ना, उसके तार, एक मिनट, उसके तार पता है आपको पाकिस्तान से जुड़े होते। उनके परिवार जो है, उनके भाई बंधु रिश्तेदार के जो तार है ना, वो किसी आतंकवादी नक्सलवादी और जो नोएडा की मीडिया आज मोहब्बत की बात कर रही है, अगर यही सचिन की जगह सुलेमान के यहाँ आई होती वो महिला, तो आज सुलेमान के तार वही गोदी मीडिया पाकिस्तान से जोड़ देती। एक बात बताइए, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो सरहद पार कर कर आई है, हमारे देश की महिला जिसने हमारा गौरव बढ़ाया, जिसने देश का गौरव बढ़ाया, उस वो महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। क्या मोदी जी के कान में तेल पड़ा है? योगी जी के कान में तेल पड़ा था, सुनाई नहीं दिया क्या उनको? और वो महिला बोल रही है, उसका सुनाई दे रहा है आपको? क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, आप देश को भटकाना चाह रहे हो, मेन मुद्दों से भटकाना चाह रहे हो। हमारी बेटियाँ जो पहलवान बेटियाँ, वो एक क्योंकि आपका एक तरफ सांसद है, आपको अपना सांसद बचाना है, कि ये मोदी जी जो हैं वो देश को सिर्फ उलझाना चाहते हैं सब आपस में उलझे रहो, कोई रोजगारी की बात ना करो, कोई जो है रोजगार ना मांगे, जो हमारे नौजवान हैं वो रोजगार ना मांगे। एक पाकिस्तान से आके महिला भारत में बसी, उस पे आप भरोसा कर सकते हो? हमारे देश की महिला पे भरोसा नहीं कर सकते? महिला सुरक्षा पे सवाल करता है कोई तो उसको जवाब नहीं देते, ये कैसा दोहरा चरित्र है? ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है, इनको अपनी फोटो से मतलब, अपने फेम से मतलब, अपने पैसे से मतलब, अपने धन से मतलब है। सीमा हैदर को भी पॉलिटिकल इशू आप बना रहे हो, मोहब्बत की बात हो रही है सीमा हैदर पे, आप उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हो। ये लोग मोहब्बत की बात नहीं कर पाएंगे, ये लोग नफरत की बात करें। मोहब्बत की बात राहुल गांधी करते हैं, मोदी जी नफरत की बात करते हैं, आज ये मोहब्बत पे आ गए हैं। धीरे धीरे देश बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। आप एक बड़ी बात कह रहे हो कि अगर यही महिला किसी सुलेमान के आई होती, सलमान के आई होती, तो अब तक उसको पाकिस्तानी एजेंट बता दिया गया। मीडिया का काम ही यही है, गोदी मीडिया का, हिंदू मुसलमान करना। हिंदू के घर आएगी तो नहीं कुछ कहोगे, मुसलमान के घर आएगी तो पाकिस्तान से तार जोड़ दोगे, आयशा से तार जोड़ दोगे, अतीक अहमद के घर से तार जोड़ दोगे। ये क्यों, ये दोहरा चरित्र क्यों? ये हिंदुस्तान है, एकता की मिसाल है, यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, हम एक थाली में निवाला खाते हैं, चाहे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो। वही मोहब्बत की बात पैदा की है, वही मोहब्बत की बात हो रही है, तो सीमा हैदर ने अगर मोहब्बत के लिए दिक्कत क्या है? ये झूठी मोहब्बत दिखा रहे हैं, ये 24 के मुद्दे को भटकाने का कार्य कर रहे हैं।
24 में देश की जनता आपसे पूछ रही है, आपने जो वादे किए थे 9 साल में कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ है, महिला सुरक्षा कहाँ है, देश की सुरक्षा कहाँ है, पहलवान हमारे देश के जो गौरव बढ़ाते हैं उन पे जब सुरक्षा की बात आती है तो आप मौन रहते हो। स्मृति ईरानी जी मौन रहती, चुप रहती हैं, लेकिन अगर राहुल जी कोई ट्वीट कर देते हैं या कोई और कांग्रेस पार्टी का ट्वीट कर देता है तो आप दिन भर आपकी वो होती है। भाई साहब मुद्दों को भटकाने के लिए सीमा हैदर बीच में लाई गई। देखिए भैया, पहली बात जो हमारे प्रिय भाई और प्रिय बहन जी कह रही हैं, ठीक है कि सांसद से उनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है सांसद थे, ठीक है, और जिस पार्टी से सांसद हैं वो बीजेपी है। मेरी बात सुनिए, देखिए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, ठीक है। अगर उनको बीजेपी या कोई भी सपोर्ट कर रहा होता तो उनका नाम चार्जशीट में ना होता, ये होगी पहली बात, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर अगर महिलाएं ने जो किया है, क्योंकि अगर वो गलत है तो चार्जशीट में उनका नाम है। दूसरी चीज जो हमारे प्रिय भाई करे हिंदू मुस्लिम, हम लोग लखनऊ के वासी है, यहाँ पे एकता का राज चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चलता है। दूसरी चीज अब मेरी बात सुनिए, चाहे यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो चाहे आप पूरा देश ले लीजिए, ठीक है, कोई भी योजना हो या कोई भी कुछ हो, कोई हमारा प्रिय भाई ऐसा नहीं बोल सकता है कि कोई भी योजना हो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी जातिवाद या कोई भी कुछ किसी में कुछ सत्ता दूसरी, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि सीमा हैदर कितनी चर्चा क्यों हो रही। भाई हर जगह सीमा हैदर क्यों दिखा रहे हैं? हैदर अगर सीमा हैदर जो है सीमा हैदर अगर भारत आई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं उनके ऊपर जांच एजेंसी जांच कर रही है। दूसरी चीज जो है माननीय न्यायालय में मामला भी चल रहा है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो सचिन की जगह सुलेमान के आई होती तो अब तक तो उसको पाकिस्तानी जेल बता देते। वो भाई का पर्सनल इशू हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। कानून सबके लिए बराबर है।